वी गॉट इट स्टैंड ओखा ही लगता है स्टैंड ओ पत्थर ले आवांगे ले आवांगे तो जी जो हमने लोकेशन डिसाइड की है वो है प्योर दुबई वाला फील और जैसलमेर का फील है। देखो आप है ना, ये हमारे बाइक ओके, और कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा आपको। क्या बात है, सामने ग्रीनरी है और हाइट है अच्छी और इधर पानी भी है, तो सब कुछ हमें मिल गया। दिस इज़ द राइट प्लेस जहाँ हम अपना काम कैंप को लगाएंगे। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कैसी लोकेशन है ये, बिल्कुल सूरतगढ़ के पास। तो अगर पहाड़ों का अलग मज़ा है तो रेत का भी अलग मज़ा है, है ना। तो ये देखो, ये एक आर्टिफिशियल झील यहाँ पे, मतलब वाटर कलेक्शन के लिए शायद कुछ बन रहा है। और यहाँ से सिटी भी दिख रही है, वो दूर जब रात होगी तो लाइट्स भी दिखेंगी, तो काफ़ी अच्छा व्यू होने वाला है। थैंक गॉड कि हमें ऐसी जगह मिली। अभी क्या हुआ है कि हमने कैंप एक लगाया, एक्चुअली हमारे पास वैसे तो टेंट थे दो, बट हमने टेंट अभी एक लगाया बिकॉज ऑफ दूसरे टेंट की जो किलियाँ होती है जिनसे इसको सपोर्ट दी जाती है वो मिसिंग रहेगी। बट ये बड़ा टेंट है तीन लोगों के लिए, इसमें सफिशेंट जगह है। आप देख लो तीनों योगा मैट्स यहाँ आ गए हैं, तो ईजिली कोई इशू नहीं है। अभी हमारा सामान यहाँ पे बाहर ही हमने डिसाइड किया है और इसे दूसरे टेंट से हम कवर कर देंगे ताकि रात को कोई भीगने वाला सीन ना हो। और देखो खूबसूरत यहाँ पे सनसेट होने को आ रहा है ना, एंड जैसे जो सनसेट का मन था कि सनसेट देखना है वो इच्छा भी पूरी हो रही है, और सुबह सनराइज भी आपको दिखाऊंगा मैं अगर जल्दी उठा तो, है ना। ठीक है, तो ये है फिलहाल। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, हम यहाँ पे बोन फायर भी करेंगे और खाने पीने का सब सामान है हमारे पास, खुद ही कुक करेंगे, खुद ही बनाने वाले हैं, खुद ही पीने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। लकड़ियाँ वगैरह सब चीज़ें इस सामान के अंदर सब कुछ लाया गया है। ठीक है, तो चलो फिर आगे भी आपको दिखाता हूँ मैं, है ना। बाइक्स आर देयर, सही पार्किंग मिली उनको भी, देख रहे हो आप। और सनसेट हो रहा है बहुत ही खूबसूरत, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। लुक इट, पूरी लाल लालिमा सन की दिखाई दे रही है आसमान में। मतलब भगवान ने हर चीज़ का इंतजाम कर दिया ना, लकड़ियाँ भी पास में ही हैं, हालांकि हमारे पास है जैसा कि मैंने बताया, बट ये सूखी लकड़ी बहुत ईजी आग पकड़ लेंगी। बल्लीबाजी भी जा रहे हैं, और अभी हमने हमारा कैंप सेटअप हो गया है, एंड लकड़ियाँ भी कलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, और बस अब खाने की तैयारी करेंगे और फिर मज़ा आएगा, बैठेंगे आराम से, इस शाम का आनंद ले। देख रहे हो रमन पाजी लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, और मैं इस पे है जैसे बर्फ़ वाली फील होती है ना, वो फील ले रहा हूँ भाई साहब। केदारकंठा याद आ गया, केदारकंठा वाला ट्रैक याद आ गया, बस वहाँ फ़र्क ये था वहाँ बर्फ़ थी या रेत है। क्या ही बात है, लकड़ियाँ कम है भैया आपकी, बहुत हैं कम है। साहिल भाई सनसेट देखो, क्या बात है, शानदार अल्टीमेट। तो कुछ लकड़ियाँ कलेक्ट की हैं हम लोगों ने, क्योंकि सूखी लकड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अब इसको हम आग लगाएंगे और फिर प्रॉपर मतलब हर चीज़ हो जाएगी अच्छे से।
शाम होने को आ गई है, तो अंधेरा होने से पहले अगर सब सेटअप हो जाए तो बहुत बेटर है, क्योंकि अंधेरे के बाद आप कहाँ कहाँ जाओगे। तो मेन जो काम थे टेंट वाला वो हो गया है, सूखी लकड़ियाँ हमने कलेक्ट कर ली हैं, बाकी हमारे पास लकड़ियाँ हैं, कोयले हैं, फ्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सब हो जाएगा। तो मेन काम हमने कर दिया है। और एक बड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, मैं टाइम लैप्स ले रहा था सनसेट का, बट हुआ क्या कि मैंने सेटिंग गोप्रो की चेंज कर दी, 2 मिनट पे कर दी, तो उसने कुछ खास शूट ही नहीं किया। तो हालांकि सन सेट की मेरे पास फुटेज ज़रूर है, मैं वीडियो में दूंगा, लेकिन एक टाइम लैप्स मिस हो गया। चलो कोई बात नहीं, सुबह का सनराइज़ हम देंगे आपको, अच्छा उसका व्यू देंगे, ठीक है। तो रमन पाजी मिल गई फिर माचिस अपनी, और लाख कोशिशों के बाद हम सब कुछ ले आए, उन्होंने चेक नहीं किया डिस्पोजल वाला, हम सब कुछ ले आए, एक माचिस नहीं मिल रही थी। अब हम मैन वेज वाइल्ड वाले तो है नहीं भाई, सब लगा लेंगे पत्थरों के साथ आग, अब जाके सुकून मिलेगा। मतलब ना टेम्परेचर मैं आपको क्या बताऊं कैसे गिर रहा है, मतलब कि सोच नहीं सकते हो, जिस तरह से भाई गर्मी लग रही थी काम करते हुए धूप में, अपोजिट बिल्कुल, क्योंकि रेतीला, देखो रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है। तो दो चीज़ें हुई है हमारे साथ, एक तो माचिस नहीं मिल रही थी वो मिल गई है, ये तो अच्छा काम हुआ है। एक टेंट जो हमारे पास 3 वाला था उसकी हम वो जो डंडियाँ होती है वो भूल गए थे, लेकिन वो हमने दूसरे वाले टेंट की लगा दी है, तो वो भी हो गया। मतलब सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है भगवान की, वो क्या है मेहर है, मतलब सब काम इजीली हो रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हेलो, मतलब क्या है अपना ये बहुत सी बैग, सोदे वाले बैग में पड़ा, इसके बैग में कोई जिसमें से सामान निकाला है, मैं लाना खड़ सा, तू वो कर जेड़ा मैं तो देता है काम, मेनू दे दो तू सारे, तू तू वो कर दरा, मैं कर दूं सारा कुछ। हेलो पकड़ियो, लाइट हो गई है, है? अग भी चल गई है, बहुत सोहनी अग लाई रमन पाजी ने, बहुत ही अच्छी आग लगाई रमन पाजी ने, लाइट भी हो गई है, चॉपिंग का काम कर रहे हैं हमारे बल्ली पाजी, ये हमारे कुक है आज के मास्टर शेफ, इन्होंने जीता था कौन सा सीजन, तीसरा। और देखो साथ साथ वीडियो भी चल रही है, सब चीजें हो रही है, अच्छा लग रहा है रमन पाजी, ये ठंडी ठंडी चीजें, सामान सुमान सब अब निकलेगा, असली सामान तो अब निकलेगा। चलो मतलब कुछ चल चुरलू पुरलू काम नहीं है, सब प्रोफेशनल काम हो रहे हैं यहाँ पे, एवरीथिंग इज प्रोफेशनल हियर, चॉपिंग ट्रे से लेके हमारे पास सब तामझाम है। क्या कर रहे हो बल्ली भाजी? प्याज काट रहे हैं। अच्छा, प्याज काट रहे हैं मसाले के लिए। कौन कौन सी तरह के प्याज काट रहे हो? मसाले के लिए। अच्छा, बारीक वाला काटेंगे, बाकी काटेंगे प्याज जो सलाद के लिए काटेंगे, और बाकी जो पनीर टिक्का में लगाएंगे वो भी थोड़ा अलग स्टाइल से काटेंगे। अच्छा, मतलब तीन तीन तरह की डिश बनेगी है। ये है तड़के वाला। ओके, तो देखो स्लाइस करना, चॉपिंग कैसे करते हैं। सही है, मेरे वाला चाकू देना, जो मेरे वाला है आपके, मेरे वाला चाकू, एक सेकंड देते हैं आपको चाकू, आपका यहीं रखा था मैंने, ये रखा लीजिए आपका चाकू, कहते हैं ना अपना औजार है ना, जो अपना हथियार, अभी देखो कैसे चॉपिंग हो रही है। ये तो चॉपिंग के साथ साथ ना हमने सोचा कि स्टार्टर को शुरू किया जाए ना, और रमन पाजी बना रहे हैं कुछ स्पेशल जो अपने को गर्मी बनाए रखेगा। एंड यहाँ पे स्टार्टर में आपके पास KFC चाप है और KFC पनीर है, और सॉसेस भी अवेलेबल है। हम नेक्स्ट जो बिरयानी बनने वाली है, चावल बनने वाले हैं, या जो पनीर से रिलेटेड या सब्जी बनने वाली है उसकी प्रिपरेशन के अंदर है। एंड बढ़िया आग जल रही है यहाँ पे, ठीक है, और इसका सेक मिल रहा है ना, ठंड का भी लालिमा छाई हुई है, देख रहे हो आप। और एक बार मैं आपको बाद में दिखाऊंगा वहाँ जाके कि पूरे शहर की रोशनी यहाँ से कैसी दिखती है। रमन पाजी कुछ कर रहे हैं, ये देखो, दिखा नहीं सकता मैं क्या कर रहे हैं, छोड़ो परे। इसके ऊपर मसाला लगा, ऑयल भी लगा देंगे, इसमें ऑयल भी लगाएंगे और इसके ऊपर मेयोनीज भी लगाएंगे। मैं एक मसाला लेके आया हूँ स्पेशल, ओके, उसके बाद मैं उसमें इसको। थैंक यू सो मच रमन पाजी, आप इतना अच्छा मेरे लिए सर्व कर रहे हो, क्योंकि मैं तो कुकिंग में हूँ थोड़ा सा वीक, है ना। आई लव कुकिंग, बट आपका मुझे पता ही है कि आप कुकिंग को प्यार करते हो ना। आई लव, इसमें अनियन एक स्लाइस और डालो आप प्लीज, है ना। मैं करूँ थोड़ा सा इसको प्लीज, थैंक यू। तो इस तरह से जैसे आप देखते हो बारबेक्यू के अंदर, एक्चुअली बारबेक्यू तो नहीं था, था हमारे पास बट हम उसे कैरी नहीं कर पा रहे थे, अगर गाड़ी पे आता तो जरूर कैरी करते। तो अभी हम कैसे हाथ से ही सेक रहे हैं इस तरह से, और ये तंदूरी हो जाएगा बिल्कुल, और मुझे बहुत पसंद है यार सच में।
चलो फिर पकने देते हैं इसे, है ना। लेट्स क्या ही बात है, क्या ही बात है, दिखने में बहुत स्पाइसी दिख रहे। अब तो मैं क्या ही कहूँ यार, मुँह में पानी आ रहा है रमन भैया। बस आप खा के देखो, जम सब ने मिल के मेहनत की है, क्या बना क्या है फिर मेरे को बताओ आप, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर अगली अपने सीख उसके बाद लगाएंगे, कुछ कमी हुई तो बताना मुझे। ओके ओके सर, ओके। पनीर सो यम्मी यार, बहुत सोना बनाया। थैंंक यू सो मच गाइस। मतलब स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, इतना स्मोकी जो फ्लेवर आ रहे हैं, तो बहुत ही मतलब नेचुरल अपना बनाया हुआ, उसका और ही मजा है। मजा आ रहा है भाजी, बिल्कुल परफेक्ट, मतलब परफेक्ट बिल्कुल, ना कोई लाइक कुछ भी ज्यादा है ना कम है, कुछ भी ऐसे गलत मान नहीं किया है। अरे पाजी बहुत अच्छा कुक करते हो यार आप तो यार, वास्तव में थैंक यू सो मच। ये भी मतलब लाइक स्मोकी हो जाएंगी है ना, अच्छी लगेगी स्मोकी स्मोकी। हाँ, कुकिंग चल रही है, सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय हो रहा है, लाइट थोड़ी धुंधली हो गई है। चलो मैं थोड़ा सा आपको आउटर भी दिखाता हूँ कि इस समय कैसा लग रहा है आउटर। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जो इतनी लाइट है ना, वो सारी जगबूज हो रही है, वो सब एक जो सूरतगढ़ सिटी है उसकी लाइट है ना। रमन पाजी कैसा है नज़ारा? बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। और जो आप ये देख रहे हो ना, ये वाली जो जगह है, ये जो मैं अभी फ्लैश लाइट ऑन नहीं कर रहा क्योंकि उससे उसकी खूबसूरती मिट जाएगी, ये पानी है दोस्तों। और देखो कैसा लग रहा है यार, है ना, लुक एट द व्यू यार, दिस इज सो टू मच गुड। मतलब एक अलग ही वाइब्स आ रही है। ये 360 है और वहाँ पे ये हमारी कैंप साइट। और अगर मैं स्टार्स दिखाऊंगा ना आपको, नाइट लैप्स लूंगा उनका, उसमें आपको दिखाऊंगा कि मिल्की स्टार्स अंडर द डेजर्ट कैसे दिखते हैं। अगर अच्छी फुटेज आई तो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। बात ऐसी है दोस्तों कि ना, इन्होंने अपना नॉनवेज रेडी कर लिया है, ठीक है, और मैं हूँ वेजिटेरियन, है ना, तो मेरे लिए बन रहा है पनीर मसाला। आप लाइक कढ़ाई पनीर भी बोल सकते हो इसके अंदर। हमने सब वेजिटेबल सब सोसेज इसके अंदर एड ऑन कर दिए हैं और ये ग्रेवी की तरह रहेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मेल आ रही है, जैसे मंचूरियन होता है ना। हाँ जी, कुछ वैसा रहेगा ये तो, बहुत ही मतलब सारे मसाले और काफ़ी अभी ये मतलब कि अपने स्टार्टर ले लिए हैं, ठीक है, एंड अब ये मेन कोर्स की ओर जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद डेजर्ट भी है हमारे पास। हाँ, एवरीथिंग, हर चीज़ हम लाए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप कह सकते कि कोई घर की चीज़ या कहीं आप बाहर जा रहे हो लग्जरी में तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ आपको सब मिलेगा स्टार्टर से लेके आपको डेजर्ट तक। तो ठीक है, अच्छी बात है ये तो। बाकी ये सब जो भी कुक हो रहा है वो या तो बल्ली भाई जी की गाइडेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है और या फिर रमन पाजी, ठीक है। और ये मस्त खुशबू आ रही है एक नंबर। चलो रेडी होता तो आपको बताता हूँ ना फिर कंप्लीट करके। तो दोस्तों लीजिए, मेरा पनीर मसाला इज रेडी, ठीक है, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है आपको, मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। इसमें सभी वेजिटेबल्स सॉसेस हमने डाली है और थैंक यू टू रमन भाई अगेन, आपने बहुत अच्छा कुक किया, है ना। चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसा है ये। चलो चुप करो, ओके। तो दोस्तों बहुत फनी है, हम लोग आ गए हैं कैंप के अंदर, है ना, और यहाँ पे सच बताऊं आपको, बाहर से टेम्परेचर इतना ज्यादा वार्म है कि यहाँ पे ठंड नहीं लग रही है, कोई हवा नहीं आ रही है, जो इतनी बाहर हवा चल रही थी, मतलब बहुत ही अच्छा टेंट है ये, मतलब मजा आ गया। और कैसा लग रहा है भाई, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मस्त यार, है ना, मजा आया। समय 2 बज रहे हैं और अभी हमारी लास्ट मील प्रिपेयर हो रही है, मतलब चावल बिरयानी और मतलब सब्जी अभी बन रही है और वो हमें खाएंगे, उसका डेजर्ट भी है हमारे पास एक, वो भी हमने खाना है। तो अब देख सकते हो यार क्या टाइम हो रहा है, कितने बजे, पर अभी थोड़ा सा आधे घंटे का रेस्ट मारेंगे इसलिए अंदर आए, बाहर हवा काफ़ी है क्योंकि हमने तो ये स्लीपिंग बैग, ठीक है, और ये हम इसके अंदर घुस रहे हैं इस तरह से, ये पूरा आपको कवर अप कर देगा, ये 5 डिग्री तक संभाल लेता है। तो अभी तो टेम्परेचर हमारा अंदर ही है और लीजिए हम आगे अंदर। देखो अगर आप कैंपिंग कर रहे हो ना तो आपके पास इक्विपमेंट सारे होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ठंड काफ़ी है और आप कुछ लेके नहीं गए हो तो फिर समस्या हो सकती है। तो आप एक प्रॉपर सेटअप को लेके चले, क्यों रमन भैया? बिल्कुल, है ना,
तो ये लीजिए, ये हमने कर लिया अपने आप को पैक। हम चिप कर लेते हैं ऊपर एंड कुछ इस तरह से आप पैक हो चुके। सो द फूड इज हियर, फाइनल मील यहाँ पे। ये हमने जो पनीर मसाला और राइस है, सैलेड है यहाँ पे, और ये सर के अपनी अपनी फूड है। राउन पाजी नहीं खा रहे हो, करे सो रहा हूँ मैं, फुल हूँ मैं। और इसके बाद हमारे पास एक डेजर्ट है, इसमें केक है, ये खाएंगे। और इसमें है रोटी, रोटी खोलो। तो चलो फिर खाते हैं और फिर आराम फरमाते हैं ना। कैंप में कैसा लग रहा है बली भाजी? बढ़िया है ना, कैंप के अंदर बहुत अच्छा है, कैंप में अच्छा है, कोजी कोजी सा माहौल है। चलो खाते हैं, डिनर करते हैं। तो समय हो रहा है सोने का, लेकिन पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों पहले आप सोच रहे होंगे कि हम 3 से 4 कैसे हो गए। तो वो एक लंबी कहानी है। वो हम आपको बाद में समझाएंगे। इसके ऊपर ये एपिसोड, ये संदीप भाई को क्यों बुलाया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। वो हम आपको फिर कभी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल सोने का समय आ गया, ठीक है। सब पैक कैंप, ये 3 जनों का कैंप है और 4 दिन है इसके अंदर, ठीक है। तो सबकी तरफ से गुड नाइट, और मिलते हैं सुबह, आपको कोशिश करेंगे सनराइज दिखाने की। तो समय कितना हो गया? टाइम समय हो गया 2:50, 3 बज रहे हैं ना। तो चलो सो जाते हैं, सुबह 9 बजे तक निकलना भी है हमने। हाँ जी, चलिए गुड नाइट सर। ओके, मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7:30 बजे हैं, रबिया खुली है, सामने टाइम लैप्स चल रहे हैं। चलो बाहर निकलते हैं। तो अभी आपको दिखेगा पूरे दिन का नज़ारा, अच्छे से व्यू सुबह का देखते हैं। चलो ये सबसे ऊंचा टिल्ला है, ट्रेन्स की आवाज़ आ रही है नुकते। तो ये है रविवार की एक नई सुबह, एक एनर्जेटिक सुबह, एक सन राउन पाजी मुस्कुराते हुए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग वाली बाजी। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा पाजी, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, की क्या ही बताऊं। थोड़ा रात को थोड़ा सा मतलब वो अपना पर्दा छूट गया बाहर वाला, थोड़ा सा ठंड लगी, बाकी ओवरऑल पता ही नहीं लगा कहाँ सोए पड़े हैं। सुबह उठा हूँ मैं तो आप लोगों की आवाज सुन के, मैं कह यार पर मजा आ गया, मजा खूब, जन्नत थी। नींद आप देखो, व्यू देखो, नींद बहुत अच्छी आई, बस थोड़ी ठंड लग रही थी कहीं कहीं, क्योंकि वो चैन सी थोड़ी खराब थी, पता नहीं टूट गई तो उसका थोड़ी ठंड लग रही थी बीच को, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस इज गुड। बाकी आप देखो यार, अब सनराइज हुआ है और सारी जो ठंड थी वो दूर हो गई है ना, पूरी ठंड कहाँ मिलता है सर इसको? बिल्कुल सही, कहाँ मिलता है, मॉर्निंग का व्यू और भी तगड़ा है। बिल्कुल सही कहा, मीट द फोर्थ पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हमारा गोपाल सामान छूट गया था तो ये लेके आए, तो ये लेके आए हैं हमारे लिए, ठीक है। काफी चीजें हम भूल गए थे, एक दूसरे पे छोड़ दी थी कुछ चीजें और वो रह गई, तो वो पूरी की है हमारे संदीप भैया ने। संदीप भाई थैंक यू फॉर कमिंग, यस जॉइनिंग अस, फॉर जॉइनिंग अस। कैसा लगा आपको, कैसा लगा आपको? मजा आया, रात को खाया पिया साथ में, ड्रिंक्स वगैरह, फिर इसके अंदर सोए, बढ़िया लगा।
बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम बिल्कुल। और जो आया मैं लोकेशन भी बहुत बढ़िया है यहाँ पर, ये साथ में लेक्स है और ये रेत वगैरह, बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को सुबह सुबह, फ्रेश एयर, नाइस गुड। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा फर्स्ट कैंपिंग के दौरान, एंड हम आगे भी ऐसे सेटअप करते रहेंगे। तो इस तरह की कुछ वीडियोस देखने के लिए आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और पाजी क्या करना है, कमेंट करना है ना, अपना सपोर्ट दिखाना है पूरा। तो ठीक है फिर अब हम नाश्ते की ओर बढ़ते हैं एंड मिलते हैं आपसे आगे। ओके तो लीजिए दोस्तों रवानगी की ओर है हम, ये आ गया हमारा सामान। अच्छा लगा, काफ़ी टाइम स्पेंड किया इस जगह के साथ, फिर से कभी मौका मिला तो ज़रूर आएंगे, एंड एवरीथिंग इज सेट। उन्होंने अपना लगेज पैक कर लिया, मेरी बारी है, चलो हम भी लगा लेते हैं अपना लगेज। All set? Yes. तो दोस्तों ऑल सेट, सब कुछ सामान पैक हो गया और अब निकलने पे हम लोग। तो चलिए, अभी थोड़ा क्या एडवांटेज ये है कि रेत अभी गिली है तो कम धसेगी बाइक, मतलब इतनी नहीं धसेगी। तो आराम से हमें निकलना है यहाँ से, रेत से। इस सामने का नज़ारा देख रहे हो आप, अब देखिए एक बार कैसा लग रहा है आपको, है ना। ओ देख लो, मिस करूँगा इस जगह को। इस तरह का एडवेंचर भी हमें आने को भी मिला था, जाने को भी मिलेगा। लीजिए निकल गए जी, वो देखिए सामने ट्रेन निकलती हुई, देख रहे हो क्या ही बात है, रोड ट्रेन्स और क्या चाहिए। लुक एट द व्यू, काफी लंबी ट्रेन है यार, ट्रेन देखो पाजी, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। चलो लीजिए आगे हाईवे के ऊपर, वो लोकेशन थी जहाँ हम गए थे। अगर आप भी यहाँ आसपास हो बीकानेर वाली साइड,
सूरतगढ़, बीकानेर वालों को तो क्या जरूरत है, सूरतगढ़ गंगानगर या वो और या बठिंडा इधर से, और यहाँ पे कैंपिंग तो नियरेस्ट आपको ये जगह पड़ सकती है, यहाँ पे आप जा सकते हो टीटी मंडल कार्यालय। तो कुछ इस तरह की हमारी ट्रिप रही, इस तरह की हमारी कैंपिंग रही जो आपने देखी पूरी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है दोस्तों, है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुल के कमेंट कीजिए, कोई आपकी क्वेरीज है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं आपकी क्वेरीज का जवाब दूंगा। यहीं आसपास आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का चैनल का दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो यही था, कनेक्ट हो गए हम वापस गंगानगर के लिए, गंगानगर वाले हाईवे पे आ गए हैं। और यहाँ से श्री गंगानगर है 70 किलोमीटर, जो आपने कल देखा था वापस आते समय वही सेम रूट, वहाँ पे हमें वापस जाना है। चलो फिर खींचते हैं थोड़ा मीटर, है ना, ताकि थोड़ा जल्दी से कवर अप किया जाए। तो दोस्तों हम आ गए, एंटर कर गए अपनी सिटी के अंदर, ठीक है। एंड मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी डेड होने वाली है। एंड कैसी लगी आपको वीडियो, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको आगे भी कुछ और मॉडिफिकेशंस, ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स एंड ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। फिर अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों कोविड के अंदर, थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, मास्क ज़रूर पहनिए और सेफ रहिए। ओके, बाय बाय।